जय हिंद दोस्तों, ओआरओपी से संबंधित बहुत बड़ी खबर आ गई है। बता दें, मांगों को लेकर आयोग का गठन, कर्नल चौधरी ने कहा है कि आयोग का गठन किया जाएगा और इस पर बड़ी अपडेट है। बता दें, पूर्व सैनिक 130 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अपनी ओआरओपी की मांगों पर कई तरह की और विसंगतियों को लेकर धरना दे रहे थे। पहली बार एक्स सर्विसमैन विंग के रिटायर्ड कर्नल चौधरी साहब ने कहा है कि आयोग का गठन करना चाहिए, केंद्र सरकार को इसको जल्द गठन करें और इन मांगों को दूर करें। सबसे पहले तो वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो ये बात कही गई है। तो मैं बता दूं कि जब पीएम मोदी केंद्र की सत्ता पर आए थे, उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन देंगे और उन्होंने दिया। लेकिन जो वन रैंक वन पेंशन पर आयोग ने रिपोर्ट बनाई, उसमें जो विसंगतियां पैदा की, उसके बाद अब केंद्र सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना भी दे रहे हैं पूर्व सैनिक। 97% हिस्सा अधिकारी वर्ग को मिला है और 3% हिस्सा जेसीओ वार को मिला है, जो कि ओआरओपी दिया गया है। इसमें बता दें, ये दावा है पूर्व सैनिकों का। अब सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं क्या रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट आई है पूर्व सैनिकों को शिकायत के समाधान के लिए। कांग्रेस ने पूर्व सैनिक आयोग की मांग की है और ये आयोग की मांग जो की है, पूर्व सैनिक नवनियुक्त अध्यक्ष हैं कर्नल रोहित चौधरी, सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर रक्षा बलों को कमजोर करने का आरोप लगाया है और कहा है कि रिक्तियों पर एक बड़ा बैकलॉग है। इन्होंने ये भी कहा है कि 2014 में सत्ता में आने से पहले इन्होंने कई वादे किए थे और उसमें से एक वादा था वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी 2 का, जिसमें कई तरह की विसंगतियां पैदा करके रक्षा विभाग के कई पूर्व सैनिकों को इसमें झोंक दिया, यानी कि उनके साथ विसंगतियां पैदा की और उसके बाद इन बातों को माना भी नहीं। अब वो धरने पर बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं, कर्नल चौधरी एक्स सर्विसमैन विंग के हैं और ये रिटायर्ड हैं और ये हैं कांग्रेस पार्टी के एक्स सर्विसमैन विंग के कर्नल चौधरी साहब। इन्होंने कमीशन गठित करने के लिए, एक्स सर्विसमैन कमीशन गठित करने की मांग की है और कहा है कि सरकार इन बातों को माने। पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्षी बड़ी पार्टी ने इस बात पर, ओआरओपी आंदोलन पर, पहली बार कमीशन गठित करने की मांग रखी है। बता दें, अगर कांग्रेस ये पहले कर देती तो कांग्रेस सत्ता से दूर नहीं होती। अब वही मोदी सरकार कर रही है। ओआरओपी देने के बाद अब जो विसंगतियां पैदा हुई हैं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं और ये चुप्पी बीजेपी को भी महंगी पड़ सकती है, जैसा कि कांग्रेस को महंगा पड़ा था 2014 के बाद सत्ता के लिए तरस रही है। तो ऐसा ही केंद्र सरकार, अब मोदी सरकार भी कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 130 दिन से आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिक और उनकी कोई भी बात नहीं मानी जा रही है। इसमें भूतपूर्व सैनिक अब विपक्षी पार्टियों के सहारे भी हैं और उनकी उनकी बात अगर विपक्षी पार्टी उठाती है तो जरूर पूर्व सैनिक उनकी आगे जाएंगे और बात अपनी रखेंगे। बता दें कि ये पूर्व सैनिक 130 दिनों से धरना दे रहे हैं, अगर बात नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन 6 अगस्त को होने वाला है, जो रामलीला मैदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें पूर्व सैनिक और अपनी मांगों को जायज तरीके से रखें। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।